नमस्कार दोस्तों, मैं इसका सिंह अपने और आपके YouTube चैनल एप्सराजा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आपका भी NPS में अकाउंट है तो जल्दी कीजिए, आप अपना NPS का पूरा डिटेल चेक कर लीजिए। जैसे कि आपका NPS में नेम का स्पेलिंग चेक कर ले, एड्रेस आपका ठीक है कि नहीं, यदि आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपका पुराना है यदि तो आप नया मोबाइल नंबर ऐड कर लें जो आप इस्तेमाल करते हैं। ईमेल आईडी आप अपना ऐड कर लें। स्कीम चॉइस आपका कौन सा है वो भी चेक कर लें। नॉमिनी डिटेल में आपने पहले क्या दिया था और उसका परसेंटेज क्या था, यदि किसी तरह का चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी कर लें। डीडीओ नेम, डीडीओ एड्रेस ये सब जान लें। कौन सा स्कीम में आपका पैसा लगा हुआ है, आपका NPS अकाउंट कब चालू हुआ था और आपके NPS अकाउंट में अभी बैलेंस कितना है, प्रॉफिट कितना हुआ और आपने कंट्रीब्यूशन कितना किया था, ये सारी बातें आप जल्दी से चेक कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर में हो सकता है कि इस NPS को बदल कर आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में किया जा सकता है, ऐसी संभावना है। तो दोस्तों, आपको किसी तरह का दिक्कत और परेशानी ना हो तो आप अपना जल्दी से NPS का पूरा डिटेल चेक कर लें। और आपको एक कैसे चेक करेंगे, घर बैठे आप अपने मोबाइल से NPS अकाउंट का पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन और फायदेमंद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल एप्सराजा को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहां से NPS लिख कर वहाँ से एक NPS ऐप को डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में। तो मैं पहले ही इसे इंस्टॉल कर रखा हूँ, तो मैं सिंपली इसे ओपन करूँगा और यहाँ से ओपन करने के बाद ये पेज ओपन हो गया, यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। तो चलिए हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन बटन पे क्लिक करके हम लॉगिन करते हैं और यहाँ पर आपको अपना प्रान नंबर जो कि आपको मिला होता है 12 डिजिट का 12 डिजिट का और उसके साथ IP नंबर होता है, वो आपको रेडी करके रखना है। तो चलिए मैं अपना IP नंबर दर्ज करता हूँ और मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है तो मैं इसे करूँगा ओके, लॉगिन। और देखिए मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है और यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, सबसे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर बैलेंस भी दिखाई दे रहा है कि ये कितना बैलेंस यहाँ पर अभी तक कंट्रीब्यूट हो चुका है और यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको जो बोल रहा था मैं फुल डिटेल कैसे चेक करेंगे, तो देखिए नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है ईमेल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट सबसे नीचे, लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपका ईमेल आपके NPS अकाउंट में अपडेट होगा। लेकिन आप बाद में पूछिएगा कि सर मेरा तो NPS में ईमेल आईडी दिया हुआ नहीं है तो इसे कैसे अपडेट करेंगे, तो इस ऐप से आप वो ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 डॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 लाइन, उस पर आपको क्लिक करना है। यदि आपका ईमेल अटैच नहीं है तो NPS अकाउंट में, यदि ईमेल दिया हुआ है तो सिंपली आपको ईमेल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट पे क्लिक करना है, लेकिन नहीं दिया है तो आप ये 3 लाइन पे जाएंगे और वहाँ क्लिक करेंगे और प्रोफाइल सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल एंड फोन एंड ईमेल में जाएंगे और वहाँ पर क्लिक करके, क्लिक जैसे ही करेंगे उसमें आप अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद यदि आप इसमें चेंज कर दिए हैं, अपडेट करेंगे और वापस इस ऐप को ओपन करेंगे, क्लोज करने के बाद फिर आपको आना है होम पेज पे और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ईमेल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, उस पर आपको जाके क्लिक करना है। अब ईमेल भी आपका अपडेट हो चुका है
तो अब आप ईमेल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा कि कौन सा ईयर का आपको डिटेल चाहिए, यानी कि हमको फाइनल 2018 और 19 का चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2018-19 को सेलेक्ट करूँगा। और टीयर, कौन सा टीयर, हम लोग टीयर वन में अकाउंट रहता है सभी का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का टीयर वन में, तो हम टीयर वन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कर देंगे सबमिट और एस बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ये सबमिट हम करेंगे तो हमारे पास एक ईमेल आएगा, उसे हम चेक करेंगे। तो चलिए ईमेल, क्योंकि मैंने अपडेट कर चुका हूँ तो अब हमारे पर ये ईमेल आएगा। अब ईमेल के जरिए आपका पूरा डिटेल आपको दिखाई देगा। तो चलिए हम ईमेल चेक कर लेते हैं। यहाँ से जाके हम ईमेल जाके अपना चेक करेंगे तो इस तरह का एक आपको मैसेज आएगा, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन करके। ये प्रोसेस करने के बाद स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन करके आपको मैसेज आएगा। लेकिन इसमें भी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये इसी में आपका जो यहाँ पर आपको दिख रहा है व्यू, जो कि आपका पीडीएफ में है, वो पूरा डिटेल उसमें आपका मिल जाएगा। पूरा रिकॉर्ड इसमें आपका बंद है, समझिए, इसमें पूरा रिकॉर्ड बंद है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, नॉमिनी डिटेल्स, सारा डिटेल इसमें ऑलरेडी बंद पड़ा हुआ। लेकिन इसे आप कैसे ओपन करेंगे, तो दोस्तों इसका भी एक फॉर्मूला है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये मैसेज आपको दिखाई देगा, दिस फाइल इज प्रोटेक्टेड, यानी कि इसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया गया। लेकिन आप इसे कैसे ओपन करेंगे, तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है। आपको इसमें पासवर्ड के लिए आप अपना नाम का 4 डिजिट स्मॉल लेटर में लिखेंगे, यानी किसी का नाम मनोज है तो MANO 4 डिजिट स्मॉल में लिखेंगे, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का, यानी डेट और मंथ, वो 4 डिजिट का इसमें लिखना है। और जैसे ही लिखेंगे और इसे ओपन करेंगे तो आपका पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं सुरक्षा कारणों से ये मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो 100% ओपन हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेरा पूरा डिटेल है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि बस ये लास्ट प्रोसेस है। जैसे ही आप इसमें पासवर्ड, जो कि मैं बताया हूँ कि अपना नाम का 4 डिजिट और डेट ऑफ बर्थ का, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी, मतलब 1 जनवरी यानी कि 01 और 01, ऐसे करके आपको 4 डिजिट लिखना है और अपना नाम का 4 डिजिट, सबसे पहले 4 डिजिट स्मॉल में, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का 4 डिजिट, पहला 4 डिजिट। और उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, ओपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आपको ओपन करना, आपका पूरा डिटेल आपको इससे दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों, और दोस्तों NPS का फुल डिटेल चेक करने के लिए दूसरा विधि भी है। आप गूगल पे जाइए और वहाँ पर आपको टाइप कीजिए एनुअल ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट। जी हाँ दोस्तों, एनुअल ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट आप टाइप कीजिए और उसे सर्च कर दीजिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपको सबसे ऊपर में देखिए एनुअल ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट CRA का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप वहाँ से उसे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपका प्रान नंबर मांगेगा, आप अपना सिंपली प्रान नंबर यहाँ पर आप डाल दें, जो भी आपका प्रान नंबर है वो डाल दें। प्रान नंबर डालने के बाद, जो कि 12 डिजिट का होता है, यहाँ पर देखिए ऐड एंड इंटर कैप्चा, यानी 56+2, यानी ये आपको यहाँ से ऐड कर देना, यानी कितना होता है, तो ये होता है 58। इसको कर दिए कैप्चा को और इसे हम सिंपली सबमिट करेंगे। और जैसे ही सबमिट करेंगे तो एक आपका OTP आएगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, जो कि मैंने आपको बताया हूँ कि जहाँ से आपने ईमेल को ऐड किया, वहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर भी वहाँ से ऐड कर सकते हैं। और फिर गूगल पे जाके आप OTP इस पर मंगा सकते हैं, और इसके बाद में आप सिंपली यहाँ पर
ओटीपी डाल के भी। तो चलिए ओटीपी हम देख लेते हैं। और मैंने ओटीपी डाल दिया जो कि मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आया था, और इसे हम सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है योर रिक्वेस्ट फॉर एनुअल ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट ऑन ईमेल वाज ऑलरेडी प्रोसेस अर्लियर, यानी कि आपको भेज दिया गया ईमेल के थ्रू, यानी कि फिर आप अपना ईमेल चेक करें और जो मैंने प्रोसेस पहले जो बताया था ऐप के थ्रू, सेम प्रोसेस आपको करना है। वहाँ पर आपको पासवर्ड का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको अपना नाम का 4 डिजिट स्मॉल में और आपका डेट ऑफ बर्थ का 4 डिजिट, पहला 4 डिजिट आपको टाइप करना है पासवर्ड में और फिर ओपन कर देना। आपका फुल डिटेल इसमें आ जाएगा। और दोस्तों ऐसा करने के बाद भी आपको किसी तरह का दिक्कत और परेशानी होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको पूरा सहयोग करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन और फायदेमंद वीडियो देखने मेरे चैनल अप्सराजा को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।